जिस तरह बिकार की गंगा बह रही है उसी तरह बहनी चाहिए। अजीत मैं आपके पास आऊंगी, उधर से मुझे लगातार अरुण बुला रहे हैं। जी अरुण, क्या हलचल हो रही है वहां पर? देखिए नेहा, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। पोलिंग बूथ पर मैं हूं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अपने घर से चल चुके हैं और अब से चंद सेकंड में मैं आपसे कह सकता हूं 3 से 4 सेकंड के अंदर आपको तस्वीरें दिखने लगेंगी, जब राहुल गांधी पैदल चल के गाड़ियां छोड़ दी उन्होंने और हलचल मुझे दिखाई पड़ रही है और शोर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सुनाई पड़ रहा है। तो इसका यह मतलब है साफ साफ कि राहुल गांधी अब इस गली में औरंगजेब लेन जो है, जहाँ पर ये विद्यालय है, जहाँ पर वो वोट देने आ रहे हैं, यहाँ आ चुके हैं। और अब तस्वीरें अगर आप देखें तो सुरक्षाकर्मी SPG के जयपाल रावत जी, अगर आप वहाँ तक तस्वीरें दिखा सकें हमारे दर्शकों को कि राहुल गांधी इस गली में आ चुके हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर में आपको तस्वीरें भी दिखाई देंगे और शायद अब आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हो, हलचल दिखाई दे रहा हो, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी आ गए हैं। उनके सामने, ठीक सामने मीडिया के कैमरे चल रहे हैं और लगभग 30 से 40 फुट दूर है वो मतदान केंद्र जो है औरंगजेब लेन में, थोड़ी दूर पर यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनका घर है 12 तुगलक लेन में, और वहाँ से कुछ दूर वो गाड़ी पर आए, लेकिन मतदान केंद्र जहाँ से शुरू हो जाता है 100 मीटर की दूरी है, वहाँ से वो पैदल आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कैमरे में कुछ तस्वीरें हलचल कैद हो रही होंगी नेहा, जो आप दर्शकों को दिखा सक रही होंगी इस वक्त। और अब राहुल गांधी एकदम ठीक मतदान केंद्र के पास आ चुके हैं, मीडिया के कैमरे उनके आगे हैं और राहुल गांधी मुझे दिखाई दिए, अजय माकन उनके साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष जो दिल्ली कांग्रेस के अजय माकन थे वो भी इस समय उनके साथ हैं। राहुल गांधी से बात करने की तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी चूंकि पहले वोट देना चाहते हैं और वोट देने के बाद ही वो हमसे बात करेंगे, शायद कुछ मतदान बढ़ाने की, प्रतिशत बढ़ाने की, लोगों को घरों से बाहर निकलने जैसी अपील ही वो करेंगे, ऐसा उनके जो आसपास के नेता, उनका कहना था कि पोलिंग बूथ के अंदर वो किसी तरह की पॉलिटिकल राजनीतिक बात वो नहीं करने जा रहे हैं। और इस वक्त राहुल गांधी देखिए अपने बूथ पर जहां उनको वोट देना है SPG के घेरे में जा रहे हैं, उनके साथ अजय माकन हैं और ये दोनों नेता थोड़ी देर में वोटिंग मशीन जो है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी लाइन कोई इतनी बड़ी यहाँ मुझे दिख नहीं रही है जिसकी वजह से ज़्यादा समय लगने की बात हो, तो समय बहुत कम लगने वाला है। थोड़ी ही देर में नेहा राहुल गांधी अपना वोट दे करके वापस भी आएंगे और तब हमें इंतज़ार रहेगा कि क्या कुछ वो कहते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि उनके जितने आसपास के लोग हैं, रणनीतिकार हैं, उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि राहुल गांधी ये नहीं बताने जा रहे हैं, राजनीति की बात नहीं करने जा रहे हैं, राहुल गांधी लोगों से ज़रूर ये अपील कर सकते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें, ये जो पॉश इलाका है, शहरी इलाका है, वहाँ चुनाव आयोग और सबकी ये एक तरह से शंका रहती है कि वोटर टर्नआउट कम होता है, मतदाता घर से कम निकलते हैं। हालांकि आज दिल्ली में गर्मी थोड़ी सी कम है, कल रात से थोड़ी गर्मी कम हुई, उसकी वजह से सुबह सवेरे बहुत सारे मैंने देखा सीनियर सिटीजन यहां पर आए मॉर्निंग वॉक के बाद और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस वक्त भी मैं दिखा सकता हूं गेट पर हलचल किस तरह की है, वहां पर गेट को बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके साथ अंदर आना चाहते थे राहुल गांधी के, उनको अंदर नहीं आने दिया गया है और बाकी चाक चौबंद सुरक्षा अमला उनका राहुल गांधी का यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी वोट देकर आएंगे। सेफ पैसेज देने के लिए उनको यहाँ से एक तरह से ले के उनके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी जो SPG और दिल्ली पुलिस की होती है उसके लिए मुस्तैदी यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा लोग आपको कतारों में नहीं दिखेंगे, यहाँ वोट देने के लिए लंबी कतारें नहीं लग रही, लेकिन हाँ इक्का दुक्का एक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सीनियर सिटीजन है, इन्होंने वोट दिया है और कई लोग यहाँ जा भी रहे हैं। अगर आप देखिए ये जो ग्रीन मतलब अरुण, हम ये कह सकते हैं क्योंकि जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ अभी नहीं दिखाई दे रही है और राहुल गांधी इसी पोलिंग बूथ पर आए तो किसी भी वक्त अपना वोट कास्ट करके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बाहर आ सकते हैं। अरुण देखिए निश्चित रूप से वो वोटिंग मशीन तक पहुंचने ही वाले होंगे क्योंकि यहाँ मैंने देखा नहीं कि 3-4 से ज़्यादा मतदाता कभी लाइनों में लगे मुझे दिखे नहीं। इसकी वजह से मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि अगले 1 या 2 मिनट के अंदर ही राहुल गांधी आ जाएंगे क्योंकि उनकी बारी आने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। अजय माकन पहले आए थे, व्यवस्था का जायजा लेकर गए और मुझे लगता है कि वो इसलिए भी जायजा लेकर गए हैं कि लाइन लंबी नहीं है तो इसी समय राहुल गांधी आएँ, अपना वोट दें और उसके बाद जाएँ। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए भी लेकर के उनको आए हैं, 10 बजे का समय दिया गया था और कम से कम इस वक्त पर राहुल गांधी 10 बजे पहुंच रहे थे यहां पर और अंदर घुस चुके थे वो गेट के। जहां तक इस पूरे माहौल का सवाल है तो कई बूथ हैं यहां पर हैं, अन्य बूथों पर लोग सामान्य तरह से आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं अपना और जा रहे हैं।
स्याही जो उनकी उंगली पर लगी उसको दिखा भी रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का इंतजार यहाँ इसलिए। और अब से कुछ देर बाद एक और भारत सरकार की मंत्री सुषमा स्वराज भी यहाँ पर आने वाली हैं, उनका भी वोट यहीं पर बताया जा रहा है, तो वो 11 बजे के आसपास वोट डालने आएंगी। वो तस्वीरें भी नेहा हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जरूर, और देखेंगे कि कैसे वो कब आती हैं और वोट डाल करके जब आएंगी बाहर क्या कुछ कहती हैं। लेकिन इसके पहले लगातार मेरी नज़र बनी हुई है और कैमरे के जरिए दर्शकों को भी वो तस्वीर मैं लगातार दिखा रहा हूँ, जहाँ बाहर सुरक्षाकर्मी इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी अपने मताधिकार का प्रयोग करके कब आएं। राहुल गांधी के लिए ये चुनाव कई मायने में खास है। आपने देखा जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है मोदी सरकार से, और जिस तरह से पार्टी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। लगातार असफलताएँ झेलते झेलते राहुल गांधी ने आखिरकार जो विधानसभा चुनाव राज्यों में हुए उसमें 3 राज्यों में जब से सरकार बनाई है, राहुल गांधी का आत्मविश्वास निश्चित रूप से आगे बढ़ा है और सियासी रूप से वो अपने आप को ज़्यादा कुशल और मजबूत मान रहे हैं। और एक बार जब किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो चुनावी सफलता में तब्दील जब तक होता रहता है तब तक उसके ऊपर सवाल उतने सवाल नहीं उठते हैं। और आप देखिए कि जैसे ही 3 राज्यों में चुनावी जीत हासिल की राहुल गांधी ने, उसके बाद किसान कर्ज माफी से लेकर तमाम मसलों पर और एक बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन चलाया उन्होंने। अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें, उनके भाषण देखें, उनकी रैलियां देखें, सुप्रीम कोर्ट में राफेल को लेकर उन्होंने जरूर सुप्रीम कोर्ट से जोड़ करके जो बात कही थी प्रधानमंत्री को लेकर उसके लिए माफी मांगी, लेकिन वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि राफेल घोटाला हुआ है और इसको लेकर के वो लगातार मुद्दा बना रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन चला रहे हैं। किसानों की बात अगर आप करिए, एग्रेसिव कैंपेन अरुण, और उसके साथ ही देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज भी हमने जितना हम देख पाए अरुण आपके कैमरे से, काफी तेजी से चलते हुए अजय माकन के साथ पोलिंग बूथ के भीतर वो पहुंचे और आप कह रहे हैं कि कभी भी बाहर आ सकते हैं, मैं आपका फिर से रुक करूंगी, लेकिन इस बीच जरा मैं जल्दी से जाना चाहूंगी हमारे संवाददाता मनोज शर्मा के पास जो भोपाल में मौजूद है। मनोज, आपके पीछे बहुत लंबी लाइन मुझे दिखाई दे रही है, जल्दी से वहां से रिपोर्ट दीजिए क्योंकि हमें किसी भी वक्त औरंगजेब लेन जाना पड़ सकता है दिल्ली वापस, बोलिए। बहुत जल्दी से 10% नेहा यहाँ पर भोपाल से 9 बजे तक की पोलिंग है और 10% जो पोलिंग हुई उसका अनुमान आप इससे लगाइए, लंबी लंबी कतार है। इस वक्त मैं भोपाल के कोलार इलाके में खड़ा हूँ और ये इलाका इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि इसी पोलिंग बूथ पर दिव्यांका, छोटे पर्दे की बड़ी कलाकार दिव्यांका, यहाँ पर थोड़ी देर बाद इसी पोलिंग बूथ पर वोट करने आएंगी। आप लोग जो पोलिंग कर रहे हैं बड़ी लंबी लंबी कतारें, गर्मी भी शुरू हो गई, मतलब आपकी पोलिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसलिए कि हमारे देश को हमको बचाना है, इसलिए देश को बचाना है। देश को बचाने के लिए शुभम आपने बताइए, आप तो वोट डाल के आ चुके हैं, तो वोट डाला आपने, वोट डालते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे मन में था कि देश के लिए एक 5 साल में एक बार मौका मिलता है, लोकतंत्र का महापर्व है। और मैं आपको रोकना चाहूंगी, जल्दी से औरंगजेब लेक चलेंगे, वहां पर राहुल गांधी बाहर आते हुए। जी अरुण, ओवर टू यू। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अपने मताधिकार का प्रयोग करके इस वक्त बाहर आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो मीडिया से मुखातिब होंगे क्योंकि उनके स्टाफ के लोग और एसपीजी के लोग जिस तरह का घेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमसे राहुल गांधी बात करेंगे ये मैं आपको ज़रूर बात करवाऊँगा और उनकी सुनवाऊँगा अगर वो बोलना चाहते हैं तो। जहाँ तक मैं मुझे लगता है कि वो बातचीत करना चाहते हैं और मैं माइक वहाँ तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। अरे माइक छोड़ो, अरे बोलने दो। राहुल जी कुछ अपील तस्वीरें जो आप ये दिल्ली की औरंगजेब लेन की देख रहे हैं और राहुल गांधी बिना मीडिया से बात किए वहां से निकल गए। अरुण हमारे साथ वहां मौजूद है। अरुण, कुछ बातचीत हो पाई, कुछ पता चला? क्योंकि पूरी तरह से मीडिया वालों ने राहुल गांधी को घेर लिया था लेकिन कुछ सुन नहीं पाए हम। देखिए, अभी भी राहुल गांधी से बात करने की कुछ मीडियाकर्मी कोशिश कर रहे हैं, चूंकि हमारी एक बाध्यता है, इसके बाहर हमको नहीं जाने दिया गया, इसलिए मैं नहीं जा पाया हूँ। हो सकता है कोई बातचीत करें, वो बातचीत करना चाहते थे और जैसा कि मैं कह रहा था कि वो 2-3 बार रुके, लेकिन अब व्यवस्था का आलम ऐसा था और इतनी भगदड़, एक तरह से भागदौड़ मची यहाँ अंदर कि राहुल गांधी कहीं रुके
तो तुरंत चल दिए क्योंकि वो बोल नहीं पाए। मुझे लगता है कि वो जरूर बात करेंगे, हो सकता है अभी वो यहाँ से उनका घर लगभग 200 मीटर दूर है और 100 मीटर की दूरी वो पैदल चल के जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ बोले, लेकिन फिलहाल उन्होंने यहाँ पर मतदान केंद्र पर कुछ नहीं बोला। औरंगजेब लेन बूथ पर राहुल गांधी ने अपना वोट डाला। देखिए मीडिया लगातार उनको फॉलो करता हुआ, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग देश के भागों से, और राहुल गांधी ने अपना वोट डाल दिया है औरंगजेब लेन पर। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी जल्द अपना वोट डालने के लिए जाएंगी। काफी ज्यादा गहमा गहमी। और एक बार फिर से अरुण मैं आपका रुख करना चाहूंगी, राहुल गांधी के लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। शीला दीक्षित को फिर से दिल्ली में कमान देना कांग्रेस पार्टी की, आज दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव, और ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व की परीक्षा भी। बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या कह रही थी, जिस तरह से वो भीतर गए फिर बाहर आए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है नेहा कि राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बदली है 3 राज्यों में चुनावी जीत के बाद, और वो बदस्तूर अभी भी जारी है। अगर आप उनका इंटरव्यू करें, उनसे बातचीत करें, तो वो एक अलग ही तेवर कलेवर में नजर आते हैं। और जब हमने उनका सुल्तानपुर में इंटरव्यू किया था तो वो कहते थे कि सुबह से शाम तक मैं लगातार रैलियां कर रहा हूं, भाषण दे रहा हूं, रोड शो कर रहा हूं, लेकिन मैं थकता नहीं हूं। तो ये बात खुद उन्होंने कहा, हमने उनसे सवाल नहीं पूछा था। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के अंदर एक उत्साह है, एक कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा हुआ है। और दिल्ली की जहां तक आपने बात की, अब कई चेहरों पर उन्होंने दाव लगाया, अजय माकन से लेकर तमाम चेहरों पर दाव लगाया, लेकिन आखिर में उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले अगर कोई खड़ा हो सकता है तो शीला दीक्षित हैं, क्योंकि 15 साल की जो सरकार उन्होंने चलाई थी और जो डेवलपमेंट हुआ था दिल्ली में, उनको लगा कि डेवलपमेंट के प्लैंक पर अगर विकास की बात हम करते हैं तो वहां पर जरूरी यह होगा कि ऐसे क्रेडिबल चेहरे को लाएं जो अरविंद केजरीवाल को, चूंकि अरविंद केजरीवाल को भी शिक्षा से लेकर के और तमाम अस्पताल से लेकर तमाम विषयों पर उन्होंने काम किया है, तो उसको टक्कर देने के लिए उन्होंने शीला दीक्षित को जरूर यहां पर मैदान जंग में उतारा। और नेतृत्व की परीक्षा की जहां तक बात है, जाहिर सी बात है 2019 का चुनाव लिटमस टेस्ट उनके लिए है, विधानसभा चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन 2014 की जो ऐतिहासिक हार हुई थी, 44 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी सिमटी थी, उसके प्रदर्शन को अगर 3 अंकों तक नहीं ले जा पाते हैं राहुल गांधी, तो जाहिर सी बात है निराशा उनके लिए भी, उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे। और अगर राहुल गांधी इसको, इस टैली को, इस संख्या को बढ़ाते हैं, तो एक नेता के रूप पर मुझे लगता है कि उनको स्थापित करने के लिए ये जितने भी सर्कमस्टांसेज हैं वो उनको मजबूत नेता बनाएंगे। और न सिर्फ पार्टी के अंदर, आप देखिए कि ट्रांजिशन जो सत्ता का हुआ सोनिया गांधी से राहुल गांधी, वो बहुत ही स्मूथ रहा, कहीं कोई बहुत ज्यादा विरोध के आवाज सुनाई नहीं दिए। लेकिन अगर इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन राहुल गांधी नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि ओल्ड गार्ड्स जो हैं उनकी तरफ से कुछ सवाल उठे, जो फैसले उन्होंने लिए, युवाओं को मौका दिया कई राज्यों में, किस तरह से सरकारें उन्होंने मुख्यमंत्री नियुक्त किए, जो है भारत तुगलक लेन से मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है कि जो चुनावी नतीजे होंगे वो राहुल गांधी की आगे की राजनीति, उनकी दिशा, उनकी दशा। और आप बात करते रहिए हमसे लगातार, लेकिन मैं ये भी बता दूं क्योंकि ये मॉनिटर आपके सामने नहीं है, आप टीवी स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं, लगातार हम राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन चैनल पर। राहुल गांधी दिल्ली के औरंगजेब लेन से अपना वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकल गए हैं। हमारे संवाददाता अरुण ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अंदर जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल था, सारा मीडिया एक तरह से राहुल गांधी पर टूट पड़ रहा था, इस वजह से वो अपना वोट कास्ट करके, अपना वोट डालकर बाहर निकले हैं। अब कंटिन्यूअसली लगातार उनको फॉलो किया जा रहा है, और हमारे संवाददाता अरुण भी हमें बताते हुए कि राहुल गांधी चाह भी रहे थे कि वो मीडिया से बात करें। अरुण आप बात करते रहिए, जैसे ही अगर राहुल गांधी बात करते हैं, उनकी कोई बात हम तक पहुंचती है तो वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन क्योंकि लगातार मीडिया राहुल गांधी को फॉलो कर रहा है, हम ये भी देख रहे हैं अरुण कि इस चुनाव में एक अग्रेसिव कैंपेन के साथ साथ राहुल गांधी ने कोई मौका छोड़ा नहीं है मीडिया से बात करने का और कांग्रेस पार्टी की बात को जनता के सामने रखने का। देखिए राहुल गांधी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष वो बन चुके हैं। अब वो ये बहाना भी नहीं बना सकते थे कि पार्टी 3 लोगों के हाथ में चल रही है, कभी सोनिया गांधी फैसले ले रही है, कभी मनमोहन सिंह ले रहे हैं, कभी अहमद पटेल रहे हैं, अब सारे फैसले एक और एक जगह से होते हैं, केंद्रीकृत मामला हो गया है, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी सारे फैसले लेते हैं। प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने की बात हो, और चाहे नियुक्तियां हो, मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या महासचिव नियुक्त करने की बात हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, राहुल गांधी को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर जीत हुई तो राहुल गांधी के सर पे सेहरा बनता है, तो अगर हार होती है तो राहुल गांधी के सिर पर भी ठीकरा भी फूटेगा, और इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन चलाया। जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़े, याद करिए आपने संसद में सूट बूट की सरकार का नारा उन्होंने दिया, फिर चौकीदार का नारा उन्होंने दिया, तो जो नारे दिए वहां उन्होंने उनको छोड़ा नहीं, आखिर तक उनको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हुई। वो कितना चुनाव में काम करेगा, मतदाताओं को कितना प्रभावित करेगा, वोट फीसदी कितना बढ़ेगा, क्या होगा, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है।
ऐसा उनकी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो कहते हैं, और कैंपेन चलाने में कहीं कोई कोताही नहीं हुई है। हालांकि तमाम बातें की गई, पार्टी के फंड, पार्टी के पास फंड नहीं है, फंड क्रंच है उनके पास, चंदे कम मिल रहे हैं, ये सब बातों के बावजूद एक बार जब आप लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो कोई बट नहीं होता, नतीजा मुख्य होता है, और वो नतीजे की घड़ी 23 तारीख को आएगी और तब राहुल गांधी के नेतृत्व पर, उनकी कुशलता पर, उनकी सूझबूझ, उनकी समझ पर भी मुहर लगेगी और एक तरह से मैंडेट होगा राहुल गांधी के लिए। तो ये तस्वीरें भी अरुण जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, राहुल गांधी अपने घर पहुंच चुके हैं वोट डालने के बाद, लेकिन मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की है। राहुल गांधी के साथ लगातार उनके साथ अजय माकन, अब भी टीवी कैमरों के सामने राहुल गांधी को देखा जा रहा है, हाथ जोड़कर अभिवादन वो कर रहे हैं। राहुल गांधी अपना वोट डालकर आ चुके हैं, उनकी अपनी दो सीटें जिनसे वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पिछले चरणों में मतदान हो गया है, और मीडिया के सामने ऐसा लग रहा है मुखातिब हो रहे हैं राहुल गांधी। कोशिश मीडिया की उनसे बात करने की, राहुल गांधी जो अभी अभी चंद मिनटों पहले ही अपना वोट डालकर आए हैं। इधर से आएगा ना, ये माइक कैसे बजेगा? जगह है भाई, उधर से जगह है। माइक तो यार अंदर। अरे माइक क्यों पकड़ा दो भाई, कैमरा नीचे कर लो यार। ये माइक आगे पहुंचा दे, आगे पहुंचा यार, सही आ रहा अपना, फ्रेंड सही आ रहा है, कैमरा नीचे कर लो। बच्चा शांत हो जाए थोड़ा, पहले पूरे मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। चुनाव अब खत्म होने वाला है और आपने मतलब पूरा दम लगा के अपना काम किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आगे ये चुनाव 3-4 मुद्दों पे लड़ा गया है और ये जनता के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे नहीं है। सबसे जरूरी मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा किसानों की हालत, तीसरा मुद्दा जो नरेंद्र मोदी, भैया शांत हो जाए, तार फंस गया मेरा, निकालने का नुकसान किया उस पर, माइक नीचे कर, और चौथा भ्रष्टाचार, राफेल, अनिल अंबानी, ये मुद्दे थे। अरे तार टूट गया, बहुत अच्छी लड़ाई हुई, तार फंस गया। नरेंद्र मोदी ने नफरत का प्रयोग किया, हमने प्यार का प्रयोग किया और मुझे लगता है कि प्यार जीतने वाला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में कितनी सीटें जीतेंगे राहुल? तो देखिए दिल्ली में मैंने कहा अरे आगे बाइक पर, जनता मालिक है, जो जनता डिसाइड करेगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जनता हमारी मालिक है, तो मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। कितनी सीटें आएंगी वो जनता डिसाइड करेगी। खान मार्केट गैंग के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। खान मार्केट गैंग, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। राहुल गांधी को आपने सुना, राहुल गांधी ये कहते हुए कि चार मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा, जनता का चुनाव, मोदी सरकार और बीजेपी की ओर से नफरत की बात कही गई, हमने प्यार की बात कही, अब जनता ये फैसला करेगी कि किसके सर ताज बंधेगा। राहुल गांधी अपना वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने बात की अब से थोड़ी देर पहले ही, औरंगजेब लेन जाकर के उन्होंने अपना वोट डाला, थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी भी अपना वोट डालेंगी। राहुल गांधी की दोनों सीटें जो हैं अमेठी और वायनाड, जहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं 2019 में, दोनों जगहों पर पिछले चरणों में वोट डाला जा चुका है। आज राहुल गांधी इस चुनाव में अपना वोट डालने गए और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, किसान, राफेल, भ्रष्टाचार, ये वो जनता के मुद्दे हैं जिन्हें उन्होंने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, अब जनता फैसला करेगी। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही अरुण, अगर हम राहुल गांधी की इस बात को देखें तो ये बार बार इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके साथ भी जो उनकी बातचीत हुई थी उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी का पूरा कैंपेन, मोदी जी का पूरा कैंपेन नफरत पर रहा राहुल गांधी के मुताबिक, और कांग्रेस पार्टी उसको प्यार के संदेश के साथ बदलने की कोशिश करती रही। ये नैरेटिव कितना चलेगा इस चुनाव में, ये देखना होगा अरुण। देखिए ये नैरेटिव चलेगा कितना, जरूर इस पर सवाल है और 23 तारीख को तस्वीर साफ हो गई, लेकिन राहुल गांधी के मन में कोई संशय नहीं है। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी जब प्रधानमंत्री को वो हक करने गए थे, झप्पी डालने गए थे, वहां से लेके अब तक जब भी आप प्रधानमंत्री की बात करोगे तो वो यही जवाब देंगे कि प्रधानमंत्री तो नफरत करते हैं हमसे लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं। और एक नेता के तौर पर, एक वक्ता के तौर पर, अभी हाल में उन्होंने कहा था हम लोगों से कि एक वक्ता के तौर पर एक भाषण देने की कला को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री से बेहतर कोई नहीं है, ये बात वे स्वीकार करते हैं। और मुझे लगता है
पॉजिटिव साइड ऑफ राहुल गांधी दिखाने की कोशिश करते हैं, एक सकारात्मक राजनीति का संदेश देने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस ये जो लड़ाई है आरएसएस के साथ, उनकी विचारधारा की जंग जिसको वो कहते हैं, उसको वो इसी तरीके से जीत सकते हैं। और इसको लेकर के किसी के मन में संशय हो सकता है, राहुल गांधी के मन में नहीं है। और इसीलिए आप विपस्यना की बात करें, आप बुद्ध धर्म की बात करें, अहिंसा शांति की बात करें, वो इस रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं जहां कम से कम उनकी इमेज एक सकारात्मक रूप से दिखे कि वो एक ये छठा चरण है, इसके बाद सातवां चरण खुद राहुल गांधी कह रहे हैं अब धीरे धीरे समाप्त होता हुआ चुनाव दिखाई दे